दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मरे हुए ऊँट को हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर गलती से भी आपको कहीं मरा हुआ ऊँट दिखाई दे तो उसे छूने की कोशिश मत करना वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो क्योंकि जैसे ही आप मरे हुए ऊँट को छूने की कोशिश करेंगे ऊँट ब्लास्ट हो सकता है और इस ब्लास्ट में आपकी जान जाने की पूरी पूरी संभावना है ये सारी बातें शायद आपको बड़ी अजीब लगती हूँ बस आप इस वीडियो में बने रहे और आपको ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो आपके होश उड़ा के रख देगी दोस्तों ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान की तपती धूप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए ऊट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में जहाँ बड़े बड़े जानवरों की प्यास के मारे हालत खराब हो जाती है वही ऊँट को इसका रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता क्यूँकी ऊट बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है दोस्तों क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है की आखिर रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट की इतनी ज्यादा अहमियत क्यूँ क्यूँकी ऊट से ज्यादा तेजी से तो घोड़ा भी दौड़ सकता है चलिए हम आपको बताते हैं इसकी वजह आपको बता दूं कि घोड़ा वाकई ही ऊँट से ज्यादा तेज होते हैं यहाँ तक कि किसी को अपने पीठ पे बैठा के भागने के मामले में घोड़ा सबसे तेज भाग सकता है और सबसे फुर्तीले भी होते हैं लेकिन जब रेत पे दौड़ने की बारी आती है तो घोड़े हार जाते हैं घोड़े प्लेन एरिया में तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन जहाँ रेगिस्तानों की बात आती है घोड़ा दौड़ना तो दूर की बात है अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं परंतु ऊँट बने ही इसीलिए लिए हैं ताकि वो रेत पे आसानी से चल सके असल में ऊँट के पैर चौड़े और कुशन की तरह होते हैं जिससे उन्हें रेत में चलने पे मदद मिलती है इसके अलावा ऊँट काफी लंबे समय तक भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकते हैं और ये चीज करना घोड़े की बस की बात नहीं है ऊँट बिना पानी के कई कई दिन बिता देता है और जब इन्हें पानी मिलता है तो ये एक बार में इतना पानी पी लेते हैं कि इन्हें अगले महीनों तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती ये सारी खूबियाँ हैं जो घोड़े के अंदर नहीं होती यही कारण है की घोड़ा तेज होने के बावजूद भी रेगिस्तान में फेल हो जाता है चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मरे हुए ऊँट को क्यों नहीं छूना चाहिए दोस्तों दरअसल बात यह है कि ऊँट की जो कुबड़ होती है उसमें फैट होती है। जब ऊँट मर जाता है तो ये फैट उसके बॉडी में रह जाता है बॉडी में एक्टिविटी ना होने के कारण फैट कंज्यूम नहीं होता जो अगले कुछ ही दिनों के बाद गैस में तब्दील हो जाता है और ये कोई ऐसी वैसी गैस नहीं होती है बल्कि मीथेन जैसी खतरनाक गैस होती है इसके अलावा ऊँट के पेट में मौजूद पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता यही कारण है की ऊँट के पेट के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और ये वो जीव होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं साथ ही ये जीव धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस रिलीज करते हैं इसके अलावा रेगिस्तान में मौजूद रेत और कड़ी धूप ऊँट के बॉडी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है और अगर ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान ऊँट के बॉडी को छू लेता है तो इसके पूरे पूरे चांसेस है की ऊँट के बॉडी भी वेल मछली के बॉडी के जैसे ब्लास्ट कर जाए और अगर आप मरे हुए ऊँट के नजदीक होंगे तो ब्लास्ट होने के कारण आपकी जान भी जा सकती है या फिर आपको काफी गंभीर चोट लग सकती है साथ ही ऊँट के पेट से निकलने वाले खतरनाक गैस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है जो कि आपकी इंटरनल बॉडी के लिए बेहद खतरनाक होगा आपको बता दें कि जितनी देर तक ऊँट की डेड बॉडी पड़ी रहती है बॉडी और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है और एक पॉइंट पे जाके ऊँट की बॉडी गुब्बारे की जैसे फूल जाती है तब तो मात्र छूने से ही बॉडी ब्लास्ट हो सकती है वैसे दोस्तों क्या आपको पता है की ऊँट इतने सारे पानी को कहाँ स्टोर करता है हमारे कहने का मतलब है की ऊँट अपने बॉडी के किस हिस्से में इतने सारे पानी को स्टोर करता है चलिए हम आपको इसका जवाब भी बताते हैं दरअसल आपने ऊँट के पीठ पे कुबर देखा होगा और ये कुबर कोई आम सा कुबर नहीं होता बल्कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर फैट होता है ऊंट अपने फैट को कुबड़ में जमा करके रखता है और जब इसे जरूरत होती है तो ये फैट पानी और गर्मी में बदल जाता है जिसके वजह से ऊंट की बॉडी की सभी एक्टिविटीज अच्छी तरीके से होती रहती है और इसे भूख और प्यास का एहसास नहीं होता आपकी जानकारी के लिए बता दे की ऊँट के कुबड़ में मौजूद एक ग्राम फैट से डेढ़ ग्राम पानी बन सकता है जिसका सीधा सा मतलब है की ऊँट को केवल अपने कुबर से ही पाँच ग्राम पानी मिल सकता है और आपको ये भी बता दू की ऊँट के कुबड़ का पानी इस्तेमाल होते वक्त ऊट के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ऊँट के होट क्यों इतने मोटे होते हैं दरअसल रेगिस्तान में कई सारे कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं और ऊँट इन पेड़ पौधों को आसानी से खा सके इसीलिए इनका होट मोटा होता है दोस्तों ऊँट के बारे में एक गलत धारणा ये भी है की ऊँट के गोबर में पानी होता है जिसे प्यास लगने की स्थिति में पिया जा सकता है लेकिन दोस्तों आपको बता दू की ऐसा करना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है क्यूँकी ऊँट के मल में पीने लायक पानी नहीं होता क्योंकि जो भी मल ऊट अपने पेड़ ऐसी निकालता है उसमें मल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है साथ ही इसमें कई सारे बैक्टीरिया और जम्स होते हैं अगर आप इसे भूल के भी पीते हैं तो हो सकता है की कि आप किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया